बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद आतिफ अता है। बेटा ये एक टॉपिक स्पेशली कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे टेक्स्ट किया कि सर हमें न्यूरॉन्स थोड़ा सा डिस्कस करने हैं, तो आज हम नर्वस टिश्यू में उसके बेसिक यूनिट की बात करते हैं, दैट इज टर्म्ड एज न्यूरॉन, जिसको नाम दिया जाता है न्यूरॉन। बेटा न्यूरॉन बेसिकली है क्या? न्यूरॉन हम कहते किसे हैं? न्यूरॉन क्या है? इट इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम का बेसिक यूनिट है, ये नर्वस सिस्टम का फंक्शनल यूनिट है। सो इट इज टर्म्ड एज न्यूरॉन। न्यूरॉन के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह से बना हुआ है, तो इसमें याद रखिएगा बेटा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि एक इसमें मौजूद होती है सेल बॉडी दैट कंटेन अ न्यूक्लियस। इसको नाम देते हैं क्या बेटा? नंबर वन, दैट इज फर्स्ट वन इज सेल बॉडी, जिसको हम नाम देते हैं सोमा का। नंबर टू इसमें मौजूद है बेटा न्यूक्लियस। नंबर थ्री पर मौजूद होता है साइटोप्लाज्म। इसके साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं, एंडोप्लाज्म रेटिक्यूलम है, ठीक है। अच्छा, उसके साथ साइटोप्लाज्म में एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको नाम देते हैं निजल सब्सटेंस, निजल बॉडी, निजल सब्सटेंस, ठीक है। इस सोमा के साथ लोअर साइड पर एक बेस की तरह मौजूद होता है नर्व फाइबर। तो इसके पास बेटा, न्यूरॉन के पास दो तरह के नर्व फाइबर्स होते हैं, एक अपर साइड पर और एक लोअर साइड पर। इसको हम देते हैं नंबर फोर। सो नंबर फोर इज नर्व फाइबर। यहां पे पॉइंट जो बेटा याद रखने का है, द नर्व फाइबर that receives information is termed as dendrite, and the nerve fiber that convey information is termed as axon. इसका मतलब है कि ये वाला जो हिस्सा है जिसको मैं नंबर पाँच दे रहा हूँ, ये कहलाएगा dendrite. The nerve fiber which receives information is dendrite, and the nerve fiber which passes information is termed as axon. तो nerve fiber में हम number 5 लिख देते हैं, that is termed as dendrite. और nerve fiber में ही हम axon attach कर देते हैं, ठीक है बेटा। Point जहां पर soma और axon आपस में मिलते हैं, इधर एक triangular shape structure बनता है, and that triangular shape structure is termed as axon hillock. तो वो पॉइंट बेटा जहां पे सोमा एक्सॉन के साथ मिलेगा, उस रीजन को हम नाम देंगे एक्सॉन हाइलॉक, ठीक है बेटा, इसको याद रखिएगा। अच्छा, नेचर ने एक काम किया है, वो क्या? ये जो एक्सॉन की बेसमेंट है, इस बेसमेंट में कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए जो कि न्यूरोट्रांसमीटर्स को अपने पास स्टोर रखते हैं, इन्हें कहते हैं एक्सॉन बटन्स या साइनेप्ट
ऑप्टिक बटन्स। बेटा इसके अंदर नेचर ने क्या रखा है, इसके अंदर नेचर ने रखे हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। ठीक है, इसके अंदर नेचर ने रखे न्यूरो ट्रांसमीटर। अच्छा ये जो रीजन है, इस रीजन को मैं नंबर देता हूं 8 का, और इसको कहते हैं एग्जॉन टर्मिनल। क्या नाम देंगे, एग्जॉन टर्मिनल। अच्छा इस एग्जॉन के साथ नेचर ने एक इंटरमिटेंट सिल्वर कलर्ड शीट रखी है, और इस इंटरमिटेंट सिल्वर कलर शीट को नाम देते हैं माइलिन शीट। ये 9 बेटा मैं यहां लिख देता हूं इस जगह पर, इसको कहते हैं माइलिन शीट। शीत इसलिए कि बेटा ये कंसेंट्रिक लेयर्स में होता है, मल्टीपल लेयर्स में होता है, इसलिए इसे कहते हैं माइलिन शीत। अगर आप गौर करें तो मैंने माइलिन शीत को कंटिन्यू नहीं रखा, बल्कि उसमें गैप्स दिए हैं। इन गैप्स को हम क्या नाम देंगे, इसको हम देते हैं नोड ऑफ रेनवेयर, नोड ऑफ रेनवेयर। ठीक है बेटा, इन्फॉर्मेशन जितनी पास होती है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन पास होती है वो जंपिंग फॉर्म में पास होती है, और इस जंपिंग फॉर्म को हम नाम देते हैं सॉल्टेटरी कंडक्शन। ठीक है बेटा, तो ये वो स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का। तो इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हुए, सबसे पहले सेल बॉडी दैट कंटेन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, अलोंग विद द साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेल इट कंटेन अ निजल सब्सटेंस विच हैव राइबोसोम्स। जिसमें क्या मौजूद है बेटा, राइबोसोम्स मौजूद हैं। उसके बाद दो तरह के नर्व फाइबर्स हैं, अ नर्व फाइबर दैट रिसीव्स इंफॉर्मेशन इज टर्म्ड एज डेंड्राइट, जो अपर साइड पर मौजूद है, एंड द नर्व फाइबर दैट पासेस इंफॉर्मेशन इज टर्म्ड एज एक्सॉन। एक्सॉन के फिर फर्दर कंपोनेंट है, एक तो वो पॉइंट जहां पर सोमा एक्सॉन से मिला, एक्सॉन हाइलॉग, एक्सॉन का जो एंड होगा दैट इज टर्म्ड एज एक्सॉन टर्मिनल विच हैज डिफरेंट बटन्स which have a secretory vesicles, इनको हम secretory vesicles भी कहते हैं, synaptic vesicles भी नाम देते हैं। ठीक है, आप इसे कोई भी नाम दे सकते हैं। तो that contain basically, a vesicle mean कोई भी ऐसा structure जो chemical secrete कर सकता है, अपने पास store करके secrete कर सकता है। तो ये neurotransmitter store रखता है, at the time of need उसे release करता है। ठीक है बेटा, उसके बाद सिल्वर कलर्ड शीट है, दैट इज टर्म्ड एज माइलिन शीट, विच इंक्रीजेस द वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन। अगर माइलिन शीट के बारे में आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो ये क्या करता है बेटा, इट इंक्रीजेस द वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन। जितनी इंफॉर्मेशन पास होती है उसको स्पीड अप कर देता है। इन्फॉर्मेशन का पाथवे हमेशा ऐसे होगा, डेंड्राइट रिसीव करेगा, फिर वो फर्दर लोअर साइड पर एग्जॉन तक सेंड करेगा। ठीक है बेटा, सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूरॉन। अच्छा बेटा, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स की। तो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स की सबसे पहले हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पर। इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, उसमें नंबर 1 जो है बेटा, इसको मैं क्लासिफाई करता जाऊंगा। ठीक है, पहले ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी दैट इज फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। तो ये फर्स्ट इसकी टाइप है, इसमें याद रखिएगा बेटा, इसे कहते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन। ये फर्स्ट हमारा ग्रुप है।
सेकेंड वन इज टर्म्ड एज बाय पोलर न्यूरॉन एंड थर्ड वन इज टर्म्ड एज मल्टी पोलर न्यूरॉन्स। ठीक है बेटा, ये तीन कैटेगरीज हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। तो इसमें याद रखिएगा यूनिपोलर कैसे होगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा कि एक इसमें मौजूद होता है नर्व फाइबर और नर्व फाइबर के साथ मौजूद होता है सोमा, इस तरह से। सो दिस इज सोमा एंड दिस इज नर्व फाइबर। पॉइंट वही, nerve fiber that receives information is dendrite and the nerve fiber that convey or passes information is termed as axon. यहाँ पर आप देखें axon और dendrite आपको एक continuation में नजर आएंगे। Soma periphery मतलब side, इसके side पर मौजूद होगा, disrupt नहीं कर रहा होगा इसे, हैं दोनों single single, ठीक है, dendrite और इसके साथ साथ axon। इसे हम कहते हैं unipolar या इसको कहते हैं pseudo unipolar, सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन। सेकेंड जो टाइप है बेटा दैट इज बायपोलर हैविंग टू डिफरेंट पोल्स, इसमें सेंट्रली प्लेस्ड होगा सोमा, एक साइड पर मौजूद होगा एक नर्व फाइबर, दूसरे साइड पर दूसरा नर्व फाइबर, तो इंटरप्ट कर दिया इसे नर्व फाइबर्स को। अगर नर्व फाइबर रिसीव करेगा इंफॉर्मेशन वही बात डेंड्राइट कन्वे कर देगा, पास कर देगा, उसको हम नाम देंगे एक्सॉन का। मल्टीपोलर न्यूरॉन कैसे होता है बेटा, सेंट्रली प्लेस्ड सोमा, एक जगह पर मौजूद है बेटा ऐसे एक्सॉन और अपर साइड पर मल्टी डेंड्राइटिक स्ट्रक्चर है, वो सेवन अप में जो एक इश्तहार में आता था ना बेटा हीरो, ये सेवन अप का हीरो है, तो जो सेवन अप और स्प्राइट में हीरो आता था एग्जैक्टली दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपोलर न्यूरॉन। तो यूनिपोलर बायपोलर मल्टीपोलर, ये मैंने आपको जो डिवीजन बताई है दैट बेस्ड ऑन फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। सेकंड जो टाइप है बेटा उसको हम रखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजिकल बेसिस पे कैसे इसको डिवाइड करते रहेंगे, सब ऐसे ही, इसको मैं चेंज नहीं करूँगा। देखें फिजियोलॉजिकल बेसिस पर बेटा हम इसे इस तरह डिवाइड करेंगे कि फर्स्ट वन इज टर्म्ड एज सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है, सेकेंड वन इज इंटर न्यूरॉन एंड थर्ड वन इज मोटर न्यूरॉन। ठीक है बेटा, तो ये तीन टाइप्स की है, सेंसरी दैट रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बॉडी एंड कन्वे इट टूवर्ड्स ब्रेन, जो ब्रेन तक उसे लेके जाए। मोटर, मोटर का काम क्या है बेटा, ब्रेन से ऑर्डर लेकर जहां से स्टिमुलेशन मिली थी दोबारा उसके पास जाना, that is termed as motor. It means ke it receives information, it receives order from the brain and then convey it to the respective organ. What is interneuron? Interneuron forms brain and spinal cord. ye kya karta hai, sensory se information receive karega, usko integrate karega, properly usko manage karega, aage forward kar dega towards motor neuron. तो सेंसरी से इंफॉर्मेशन का रिसीव करना, इंटीग्रेट करना और मोटर तक भेज देना, ये काम किसका है बेटा, इंटरन्यूरॉन्स का है। तो इसको याद रखिएगा, दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन व्हिच इज बेस्ड ऑन फिजियोलॉजी। थर्ड जो क्लासिफिकेशन है उसको हम बेस करते हैं ऑन द प्रेजेंस ऑफ माइलिन शीथ, यानी माइलिनेटेड एंड अनमाइलिनेटेड। तो याद रखिएगा बेटा, अगर माइलिनेटेड न्यूरॉन है इट मींस के इट हैज माइलिन शीथ, माइलिनेटेड। मोटर भी क्या होगा, माइलिनेटेड। और जो इंटर न्यूरॉन है दैट इज अनमाइलिनेटेड। ये
ये समझाने का मकसद क्या था, इस तरह लिखने का मकसद क्या था। बेटा देखें, जितने भी यूनिपोलर सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स होंगे, दे ऑल आर सेंसरी इन नेचर एंड ऑल आर माइलिनेटेड। जितने इंटर न्यूरॉन्स होंगे, दे बायपोलर इन नेचर बाय मॉर्फोलॉजी एंड अनमाइलिनेटेड। जितने मल्टीपोलर होंगे, वो तमाम के तमाम माइलिनेटेड होंगे और वो मोटर न्यूरॉन्स होंगे। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसको समझने का, ठीक है। मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूँ। फर्ज करें हम किसी जगह पर एक नेल पड़ी, उस नेल पे हम पाँव रख देते हैं। हमने नेल पे जैसे ही पाँव रखा, क्या हुआ, हमने पाँव को फ़ौरन लिफ्ट करते हैं, हम अपने लैग को लिफ्ट करते हैं। अब देखिए, पिन जो चुभी है या नेल जो चुभी है पाँव में, उस लैग के अंदर फुट में, वो एक पॉइंट है। वहाँ से इन्फॉर्मेशन कौन लेके जा रहा है, यूनिपोलर सिंपल ब्रेन तक लेके जाएगा, भाई कुछ गड़बड़ हुई है, इंटर न्यूरॉन्स के पास लेके जाएगा। अगर लोअर साइड पर है तो स्पाइनल कॉर्ड तक ला सकता है, क्योंकि इमरजेंसी जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है, रैपिड रिस्पॉन्स होता है, तो रैपिड रिस्पॉन्स यहाँ से दिया जा सकता है। फौरी तौर पर इन्फॉर्मेशन पास होगी, इन्फॉर्मेशन पास हो गया, अब ये जाएगी ब्रेन के पास, ब्रेन इंटीग्रेट करेगा, दैट इज़ इंटर न्यूरॉन। वो कहेगा नो, इट इज़ डेंजरस, लिफ्ट योर लैग। तो हम पाँव को फ़ौरन ऊपर उठा लेंगे। अब हम ये जो पाँव को ऊपर उठाते हैं, इसमें मल्टी फंक्शंस हैं, मोटर न्यूरॉन मल्टीपल फंक्शंस करवा रहा है। कैसे, अगर आप पाँव को अपने बैंड करते हैं तो नी जॉइंट के जो अपर साइड पर मसल्स हैं वो उसको रिलैक्स करता है, जो बैक साइड पर नी के मसल्स हैं, काफ मसल और यहाँ थाई मसल का जो बैक है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, वो उसको फ्लेक्स करता है, यानी उसे कॉन्ट्रैक्ट करता है। अपर साइड वाला जो अपोजिट लैग वाला है वो स्ट्रेच करेगा ताकि वो बैलेंस कर सके। तो मल्टीपल फंक्शन मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू परफॉर्म होंगे, ये तो एक सेंसेस लेके जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन एंड न्यूरॉन्स। यहाँ पर एक छोटी सी डेफिनेशन अक्सर आ जाती है बेटा, दैट इज न्यूरोग्लिया। ये न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं, ये ECF में मौजूद होते हैं, दे आर स्मॉलर देन न्यूरॉन्स, ठीक है, ये स्मॉलर होते न्यूरॉन्स से। इसका काम क्या है बेटा, इसका काम है फैगोसाइटोसिस करवाना, इसका काम है बेटा माइलिनेशन में हेल्प करना, स्मोसिस करवाना, ठीक है। ये तमाम के तमाम फंक्शन है न्यूरोग्लियल सेल के। इसके अलावा इट fills the gap between neurons. तो ये neurons के दरमियान जो gap होगा उसको fill करेगा, ठीक है बेटा। इससे related कोई question हो, कोई confusion हो, आप पूछ सकते हैं बेटा। इंशाल्लाह फिर हम next में further कोई query हो, आपको इजाज़त है, आप question कर सकते हैं, कोई particular topic समझना हो, you may ask. Thank you so much.